नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव। इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच हमारी टीम कैलिम्पोंग में है। कैलिम्पोंग में ये आप पीछे हमारे घर देख सकते हैं, इस घर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक यादें हैं। ये घर है बीके रॉय चौधरी का। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दोस्त थे और इस घर में रविन्द्रनाथ टैगोर आकर के रहते थे। यहाँ पर कविताएं लिखते थे और आकाशवाणी पर उनकी कविता का एक प्रसारण हुआ था, वो भी उन्होंने यहीं से बैठ के पढ़ी थी। आप इस घर की हालत देख सकते हैं, काफ़ी जर्जर अवस्था में है ये घर। हालांकि यहाँ पर एक परिवार अभी रहता है और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो एक छोटी सी बच्ची है, क्लाउडिना नाम है इनका। हम इनसे बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। क्लाउडिना, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पे। क्लाउडिना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो फोर्थ जनरेशन हो गया है। अब इधर रहते रहते मेरा मम्मी पापा था, जब रविन्द्रनाथ टैगोर इधर आए कर रहते थे तब से लेकर अब तक मेरा मम्मी का मम्मी उस टाइम था, मम्मी का मम्मी पापा था उस टाइम, उसके बाद मेरा मम्मी, अभी हम लोग सब साथ में हैं। अच्छा, आपको कुछ आप पढ़ते भी होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनके बारे में और इस घर से जुड़ी जो यादें हैं आपको पता हैं, जो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा दादी बोलती थी, जब वो ना शादी करके 7 साल में इधर आए थे मेरे दादा के साथ, उस समय ये घर अच्छा था, ठीक है। वो बी के रॉय चौधरी भी इधर ही आते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इधर आते थे। उसको चॉकलेट देता था मेरे दादी को, वो क्या चॉकलेट, फीस वाला चॉकलेट, बट स्वीट्स चॉकलेट देता था। वो बोलती थी जब वो थी, उसने हमें बताया था, थोड़ा थोड़ा याद है, इसलिए उधर ये ऊपर वाला कमरा है ना, उसमें वो ये कमरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहते थे। और ये दो प्लांट है ना, ये दो बड़े बड़े प्लांट, इसका नाम है, हम लोग तो कपूर बोलते हैं, ये दो गाछ उसने ही लगाया है रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि ये दो पेड़ दिखाएं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लगाए थे, ये उनसे जुड़ी यादें हैं। लेकिन ये काफ़ी दुखद है कि इतनी ऐतिहासिक इमारत आज इस हालात में है, इतनी जर्जर अवस्था में है। आप देख सकते हैं पेड़ तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनकी यादें भी बढ़ रही हैं, लेकिन घर जर्जर होता जा रहा है। क्लाउडिना, इसके अलावा ये जो घर है, तो क्या जिनका नाम लिया बी के रॉय चौधरी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दोस्त थे, तो उनकी फैमिली का कोई यहाँ पर आता है? अब 2011 में एक बार आए थे वो लोग, और वो लोग इधर सामान था, ठीक है, इधर बहुत सामान था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बेड वगैरह कुछ बहुत सामान था इस रूम में, वो सब लेके गए है, लेके गया उस समय और बोला कुछ रिपेयर होगा और ये ज़मीन गवर्नमेंट ने ले लिया है, इधर कुछ बन। अच्छा, पहले ये ज़मीन भी उन्हीं की थी, बी के रॉय चौधरी की। आप देख सकते हैं ये कॉलेज एक कैलिम्पोंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2019 में बना है, और ये ज़मीन भी पहले बी के रॉय चौधरी, जिनका ये घर है, उन्हीं की थी, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पर एक कॉलेज बन चुका है। अच्छा, किस वजह से ये ज़मीन गवर्नमेंट को दी गई? हमारा मालिक का ज़मीन है ना, ऊपर से लेके नीचे तक था, वो आते नहीं थे ना, टाइम में नहीं आते थे, ज़मीन का तो टैक्स भरना पड़ता था, टैक्स ड्यू होने से ही गवर्नमेंट ने ले लिया है। अच्छा, तो उनकी फैमिली में कोई है अभी? हाँ, अभी मैंने दादी ने मम्मी ने बताया है, उस मैंने भी देखा है, जब वो लोग आते थे ना तब उन लोगों का दो बेटी थे, अब वो लोग बाहर ही रहते हैं। कलकत्ता में भी एक, मुझे तो नहीं मालूम ठाउं का नाम, जगह का नाम तो मालूम नहीं है, पर उधर था कलकत्ता में भी वो एक बंगला है, उन लोगों ने वो बेच दिया और वो लोग यूके जर्मनी में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, लगने इसकी हालत बहुत ख़राब है, क्या यहाँ पर इसको रिनोवेट कराने के लिए कभी कोई आया? हाँ, आए तो थे बहुत लोग, पर मैप भी बना के गए थे और बोल रहे थे हाँ अब इधर में म्यूजियम बनेगा, पर अब तक नहीं हुआ है। 2 वर्ष पहले ही उन लोगों ने किया था, मैप वगैरह भी बनाया और आया भी था विजिटिंग करने के लिए बहुत बार, पर नहीं हुआ अब तक। अच्छा, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग यहाँ पर साल में आते हैं, कुछ कहते हैं? आते हैं, पर सब देख के जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, कोई नहीं हुआ है अब तक तो कुछ भी।
अच्छा, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, उनकी कोई कविता याद है आपको? नहीं, याद तो है पर मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलिए, तो आपने देखा ये जिस घर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इतना ऐतिहासिक घर है लेकिन हालात बेहद ख़राब हैं। तो सरकार ने ये ज़मीन ले ली, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस घर से इतनी ऐतिहासिक यादें जुड़ी हैं उसका ख्याल सरकार क्यों नहीं कर रही? हालांकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारी तो सरकारों की बनती ही है। आप जुड़ रहिए NBT ऑनलाइन के साथ, हम आपको देते रहेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ साथ ऐसे ही कई और ऐतिहासिक खबरों की जानकारी।